गांव में आने के बाद ना ऐसा लगता है कि भाई यहीं पर रह जाओ, शहर में जाने की जरूरत है। कैसे हो आप? मैं हूँ अभी, ये हाईवे है ठीक है, जो कि जाता है अहमदाबाद, मुंबई अहमदाबाद हाईवे को टच होता है ठीक है, बोईसर चिल्लार रोड मेन रास्ता है ठीक है। और मैं हूँ अभी अतिथि बैनेक्यू के पास, नाम पढ़ रहा हूँ, पीछे अतिथि बैनेक्यू है और ये पीछे भी है। तो आगे थोड़ा बिग बाज़ार है, थोड़ा बिग बाज़ार के मैं बाहर करके आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं बता दूँ आपको, मैं जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, जैसे ट्रक हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, वो सारे गाड़ियों का जो मैकेनिक आपको ना इसी रोड पर मिलेगा ठीक है। हाईवे पर एक्सीडेंट हो तो भी मैकेनिक यहीं से जाता है। तो ये बोईसर का ही है, बोईसर का ही व्यू है, ये बोईसर का ही व्यू है। तो इधर शादी का फंक्शन चल रहा है, तो वो प्रोग्राम कर रहे हैं वो लोग, अतिथि बैनेक्यू में शादी का प्रोग्राम चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताता हूँ कि यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन है उसे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करोगे तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। तो चलिए बस आज की शुरुआत यहाँ से करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या दिखता है और क्या क्या दिखाता हूँ आपको मैं। देख रहे हो, मैं हूँ अभी पहाड़ के पास में, देखो नज़ारा देख रहे हो, इतनी छोटी रास्ता ले कार पे कार गुजरती है यहाँ पर, सोच सकते हो। ये नज़ारा आपको देखने नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे ज़्यादा ये जो अपना ईस्ट वेस्ट साइड में जो है ना, सेंट्रल में पहाड़ सबसे ज़्यादा रहते हैं। बस पहाड़ का छोटा सा नज़ारा है, और पीछे भी आप देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ है, वो साइड पूरा पहाड़ी पहाड़ है। तो बस फ्रेंड्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार जाते जाते, और लाइक करो और वीडियो शेयर भी कर डालो फ्रेंड्स में, और उनको ही बोलो सब्सक्राइब करेगा। तो बस क्या व्यू है ना, अगर आपको यहाँ घूमने का है, अगर आना चाहते हो ये एरिए में, ये सब एरिए में घूमने के लिए, तो आपको जाना है चिल्लार वाले रोड पे, बोईसर से चिल्लार रोड जाता है, रोड पे जाएंगे तो आपको सिर्फ पहाड़ी इलाका का ही व्यू दिखाई देगा। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, मैंने पहले ही बोला है कि मैं फ्रेश ब्लॉगर हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मैं जल्दी ही अपने आप को कवर करने की कोशिश करूँगा, और कवर होने के बाद एक आपको इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलेगा, जो बोलते ना कैची जैसा वीडियो वैसा मिला है, मैं भी देने की कोशिश करूँगा। सो बस ठीक है, तो मिलता हूँ एक और बैक साइड में जा रहा हूँ, वो साइड में ठीक है, वो पहाड़ साइड में जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको भी मिलता हूँ। ठीक है, पर मैं आया हूँ ना, देख रहे हो तो एक एक घर दिख रहा है आपको, ठीक है, झोपड़ी दिख रही है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और बोलते ना सबसे ज़्यादा गरीबी आपको यहीं दिखने के लिए मिलेगी, ये पीछे पहाड़, पूरा पहाड़ी इलाके में जब मैं आया हूँ मैं, तो पहाड़ी इलाके का व्यू दिखाना जो जरूरी है। एक यही घर है जिसको पेंट वेंट मारा हुआ है तो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन जो ये पीछे का है नज़ारा देखिए, पहाड़ है पूरा, और दूर दूर तक परिंदा तक नहीं आता यहाँ पर। सोचिए इन लोगों की ज़िंदगी क्या है, अगर इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाना रहे तो भी ये आदमी हॉस्पिटल नहीं पहुँच सकते, क्यों बता रहा हूँ ना, नागझरी से कम 6-7 किलोमीटर अंदर है अभी सिर्फ कच्चा रास्ता, जाने के लिए सड़क भी सही नहीं है, उस जगह पर ये रहते हैं, और पूरी ज़िंदगी इनकी यहाँ निकल गई है, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर निकल चुकी होगी ये तो पता नहीं है फ्रेंड्स, कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर इनकी निकल चुकी होगी। तो सोच के भी एक दिल सहर जाता है कि इमरजेंसी में ये लोग क्या करते होंगे। तो बस इनकी तो इनका जीवन शैली तो इसमें बन चुका है, लेकिन को तो भी सोचना पड़ता है। तो बस छोटा सा एक व्यू था, व्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। गांव में आने के बाद ना ऐसा लगता है कि भाई यहीं पर रह जाओ, शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर में जो भीड़ भाड़, टिकटॉक, बहुत सारे साउंड, लेकिन यहाँ पर आपको एक साउंड भी देखने नहीं मिलेगा। मैं हूँ अभी चहाड़े ग्राम पंचायत के पास में, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा, और चहाड़े ग्राम पंचायत में इतना शांति है, इतना शांति है क्या बताने का, पूरा एकदम
शांति का माहौल एकदम। पीछे एक तो बंगले दिखाई दे रहे छोटे मोटे, और ये पीछे जो है बहुत पुराना खड्डा है, और ये पीछे मंदिर है। बोलते ना भव्य, बोलते ना सब इस लोग क्यों क्यों कहते हैं, सबसे ज़्यादा शांति कहीं मिलती है तो गांव में ही मिलती है, लोगों को पसंदीदा है। तो बस एक छोटा सा व्यू था मेरा, चलो भाई ये भी ऐड कर देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करते हुए जाओ, नीचे लाल बटन है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सपोर्ट करो। और इतना शांति है ना यार, देख रहे हो आपको, बस किसी से कोई किसी का कोई मतलब नहीं। आज के लिए वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, मैं फिर से अभी दूसरे गांव में हूँ, तो बस यहाँ का वीडियो शूट करता हूँ, यहाँ का दिखाने के बाद आपको दूसरे गांव का व्यू है, यहाँ दिखाने के बाद आपसे मैं दूसरे ब्लॉग में मिलता हूँ। सो फ्रेंड आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कंपलसरी करें। सो बाय बाय।